हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एंड ऑल इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस होते हैं उनमें मास्टर्स के कोर्स में जब आप जाओगे या बैचलर्स के किसी किसी कोर्सेज में जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू का ट्रेंड रहा है। जैसा कि बीएचयू में भी ये होता है और मैंने वादा किया था कि मैं जीडी एंड पीआई के जो टॉपिक हैं उसको लेकर के आऊँगा और एक बहुत लंबी लिस्ट है। आप देख लो, बहुत ज़्यादा ये बड़ा लिस्ट है। इसमें जनरली आपके एग्ज़ाम के वो टॉपिक इंक्लूडेड हैं जो अगले एक साल तक आपके पर्सनल इंटरव्यू में आपकी सोच को और आपके बॉडी लैंग्वेज को चेक किए जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में अपने को बता दूं, मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क में 1 रैंक हासिल किया था इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड फाइनली आई गॉट प्लेसमेंट। सो आपको एक बेहतर ओवरव्यू दूंगा जो आपके एडमिशन टाइम से लेकर के और जब आप एडमिशन के बाद फाइनल प्लेसमेंट में बैठोगे वहां तक काम आएगा। देखिए, दिमाग में ये रखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको एडमिशन कमिटी को यानी जो प्रोफेसर्स होते हैं जो अट्रैक्ट करती है उन्हें ये बातें, और उसके बाद फाइनली आप जब प्लेसमेंट में बैठते हो तो वही चीज आपके काम आती है। जैसा कि मान लो आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी हुआ जिसकी वजह से आपका एडमिशन भी हुआ और आप फाइनली पास आउट होने के बाद प्लेसमेंट ड्राइव में भी बैठे और अच्छी कंपनीज में आप जॉब कर रहे हो। सो ये एक मोटिवेशनल वीडियो होगा हमारा। हम सब कुछ इसमें बहुत बारीकी से देखेंगे, बहुत क्लैरिटी के साथ देखेंगे, समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें काम करना है और मेरा अपना एक्सपीरियंस आपके काफी काम आएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से कि प्लीज जो भी, चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब एक दूसरे को कम से कम ये चीज लिस्ट शेयर करेंगे, उन्हें इंफॉर्मेशन देंगे। देखिए, जीडीपीआई में पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैसे रहना है आपको, मैंने बाई फेस यानी कि आपके सामने उपस्थित होकर पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है आपको। इसमें टॉपिक बताने वाला हूं, उस वीडियो में मैंने बताया है कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। अब जीडीपीआई में आपका देखा जाता है हाउ गुड इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, नो मैटर ये इंग्लिश में बोल रहे हो आप या हिंदी में बोल रहे हो, इट्स डजंट मैटर। लेकिन आपके सामने मैटर ये है कि जो चीजें आप बोल रहे हो क्या वो एक्सप्रेस हो रही है सही से। इट मीन कि आप मान लो आपसे रिजर्वेशन टॉपिक पे पूछा गया तो क्या वो एक्सप्रेसिव है। ऐसा तो नहीं है कि आप एग्रेशन में आ जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा साई हो, आप बहुत ज्यादा सोच सोच के बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या, कैसे कम्युनिकेशन स्किल रखना है, मैंने वीडियो में बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना। हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर ग्रुप मेंबर्स, आप कितने कॉन्फिडेंस में हो, ये नहीं कि बहुत लो साउंड हो गया, बहुत हाई साउंड हो गया, है ना। हाउ ओपन माइंडेड, आप ओपन माइंडेड का मतलब है कि आप दूसरे का भी व्यू पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हो, ये ना हुआ कि आप अपना कहते, बहुत लोगों का होता है ना ग्रुप डिस्कशन में जब बैठते हैं दोस्त के साथ तो अपना बोलेंगे बस ये हुआ वहां गया वहां गया, दूसरे के सुनने का समय ही नहीं लेते वो, और जो सुनता नहीं है वो समझता नहीं है, और जो समझ नहीं पाएगा वो काम कभी जिंदगी में अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसका ओवरव्यू एक्सपैंड नहीं होगा, है ना। तो इसलिए उनका मकसद ये रहता है कि ये चीजें चेक करें। हाउ फ्लेक्सिबल और रिजिड आर यू हैविंग एन ऑप्शनेटेड डिस्कशन, मान लो आपको कोई ओपिनियन दिया गया, आप उस पर कितने रिजिड हो, क्या वो रिजिड रहने वाला टॉपिक है, क्या वो फ्लेक्सिबल होने वाला टॉपिक है, क्या आपने गलती की तो वहां फ्लेक्सिबल हो गए या वहां भी आप रिजिड हो गए, ये चीजें दिखी जाती हैं। अगर आपने गलती की और आप वहां पे डट गए कि नहीं भाई मैं ही सही हूं, तो फिर आपका काम तो हो गया, क्योंकि इस केस में आप नहीं कर पाओगे वो ड्यूटी या वो जॉब। लीडरशिप स्किल देखी जाती है, कितनी लीडरशिप स्किल है, अगर आपने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू दिए, आपको सब लोग लीडर मांग रहे हैं, तो क्या आप उसको एक सही डायरेक्शन दे पा रहे हो, ये चीजें सीडीएस के इंटरव्यू में भी मैंने देखा था, ठीक है। सीडीएस के इंटरव्यू में भी ये सारे स्किल्स चेक किए जाते हैं। एनालिटिकल एबिलिटीज, ये नहीं कि रटा रटाया फैक्ट बता दिया, आपके पास अगर कुछ डेटा पता है आप डेटा का उपयोग करके एनालिसिस कर सकते हो और अपने फैक्ट्स को और रोबस्ट बना सकते हो, इट मीन्स उसमें आप जान डाल सकते हो किससे, फैक्ट्स के साथ, कि ये रिपोर्ट्स में ये कहा गया, दैट्स इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, आपको अगर 5 मिनट दिया गया है, 2 मिनट दिया गया है, तो 2 ही मिनट में बोलना है मेन मेन पॉइंट, ये नहीं कि आपने लगा पूरा महाभारत उलटने की सर ये हुआ था वो हुआ था, डोंट गो विद द हिस्ट्री। देखिए, आपको जब लिमिटेड टाइम दिया जाए तो हिस्ट्री के साथ मत जाइए,
आपको कहीं 1 घंटे 40 मिनट या 30 मिनट दिया जाता है, तब आप गो विद द हिस्ट्री कि इस टाइम में दैट वाज द टाइम, ऐसा था, अब ऐसा सुधार हो रहा है, ऐसा होगा, बट आपको टाइम ही लिमिटेड दिया गया। इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू मैनेज योर टाइम। सो आप जैसा करोगे वैसा आपका रेपुटेशन क्रिएट हुआ है। देखिए इंटरव्यू भी जो होते हैं वो चुपचाप आपके सारे बिहेवियर को देखते रहते हैं, आप कितनी बार उंगली उठाते हो, कितनी बार अपने सर हिलाते हो, कितनी बार बेचैनी होती है आपको, कितनी बार एग्रेशन होता है, हर चीज वो नोटिस करते हैं, दे विल नोटिस, एंड फाइनली आपका मार्क्स वही कटता है ना। तो शांत मन से पहली बार कॉन्फिडेंस रखना है, और जो भी चीजें हैं दूसरे का सुनने के साथ उसको जवाब देना है। टाइम भी लिमिटेड रहता है। योर स्किल्स एट पुटिंग फोर्थ योर आइडिया इन एन अनबायस्ड मैनर। ये नहीं कि अगर आप रिजर्वेशन का ही टॉपिक लेंगे, हम रिजर्वेशन में लगे आपने किसी एक का पक्ष लेने, आपको पक्ष नहीं लेना है, आपको बैलेंस्ड अप्रोच एक बनाना है ना। कहीं भी दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में जाओ, आपका अप्रोच अगर बैलेंस्ड होगा तो आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे। सोशल बिहेवियर एंड कॉमन कर्टसी। कॉमन कर्टसी, जैसे आप गए तो डोर ओपन होने से पहले गुड मॉर्निंग सर, सोशल बिहेवियर में आपका ये रहेगा कि आपसे पूछा गया कि मान लो आपके पिताजी का नाम क्या है, तो उन्होंने काफी आराम से बताना, बट आपने जल्दी में बोल दिया, तो ये सोशल बिहेवियर बताता है कि अपने फैमिली के बारे में पूछे जाने पे आप काफी ज्यादा इमोशनल और उत्तेजित हो जाते हो, है ना। तो ये चीजें हैं, कॉमन सी चीजें हैं। इफ आपको इसकी अगर PDF चाहिए दोस्तों, मेन चीज मैंने पहले नहीं बताई है, तो आप हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काइंडली ज्वाइन द टेलीग्राम। आपको इस वीडियो के खत्म होने के बाद हम वो PDF सेंड कर देंगे, सो ज्वाइन द टेलीग्राम, बाकी सारे PDF भी आपको वहां मिल जाएंगे। देखिए अब जो इस बार GDPI का टॉपिक होगा वो COVID-19 से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे फील्ड हैं। अब इसका फाइनेंशियल असर क्या पड़ा, मार्केट पे असर क्या पड़ा, इस पे सोशल असर क्या पड़ा, गरीबी पे क्या असर पड़ा, पॉवर्टी पे क्या असर पड़ा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पॉवर्टी ऑफ COVID-19, देयर आर मेनी अदर्स रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ, है ना। अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक था कास्ट सेंसर्स, खास करके MSW वाले स्टूडेंट ध्यान दें, IRDM वाले स्टूडेंट ध्यान दें, कास्ट सेंसर्स, पब्लिक हेल्थ, रिजर्वेशन इज ऑलवेज फेवरेट फॉर इंटरव्यूवी। वो जानते हैं कि रिजर्वेशन हमेशा से एक मुद्दा रहा है इंटरव्यू में, व्यू पॉइंट ऑफ व्यू देखने का। अभी फार्म लॉ बहुत ज्यादा न्यूज में था, कितना आप न्यूज पढ़ के आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाती है। एक चीज मैं बताता हूँ, राज्यसभा टेलीविजन या फिर संसद TV जिसका अब नाम हो गया है, उसके आप पॉइंट ऑफ व्यू वाले वीडियो देख सकते हो। कोरोना वायरस इंपैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, देखो ये बहुत हिट लिस्टेड टॉपिक थी ये सारे, जिसने मैंने 4-5 बताए। अब इसके बाद ऐसे टॉपिक आएंगे आपके सामने जिसमें आपका सीधा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा, ये सारे GD के टॉपिक है ना। अब पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है इनपे, बट पर्सनल इंटरव्यू में आपसे पर्सनल चीजें भी पूछी जाती हैं, आप कहां से आए हो, क्या पढ़ा है आपने, कितनी परसेंटेज है, क्यों है, ये सारी चीजें, मतलब आप जो भी जवाब दोगे ये अगला इंटरव्यूई का क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखना है ना। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक है, आप देख लो, बट आप सब तो नहीं कर पाओगे ना, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक याद रखो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, है ना, और वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। वैसे ये फुल लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा, ज्यादा डेविएट नहीं होना है, जो मैंने ऊपर के 4-5 टॉपिक बताए उस पर पढ़ लेना और अपना माइंड ओपन रखना। मान लो इन टॉपिक के अलावा, देखो मैंने 70-80 नाम लिख दिए हैं, बट इन टॉपिक के अलावा अगर, चूंकि ये बहुत हिट लिस्टेड है न्यूज में, इन टॉपिक के अलावा भी कुछ आता है तो जो आपको पता है बोल्डली बता दो, वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। आपको डराने की कोशिश करेंगे कुछ कुछ बातों से, अपने फैक्ट से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रहना है, ज्यादा उत्तेजित होके लड़ना भी नहीं है, एक बैलेंस अप्रोच रखना है। आई होप आपको इतने सजेशंस अच्छे लगे होंगे, और जो बाई फेस मैंने 2 वीडियो बनाए हैं कि मेरा इंटरव्यू ऐसे हुआ था और मुझसे ये चीजें पूछी गई थी, उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा, कमेंट जरूर करिए कैसा लगा वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपने लास्ट तक देखा है शेयर जरूर करना, थैंक यू सो मच।